हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं इतिहास का टेस्ट नंबर 4। तो देखिए, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो आप फ्रेंड्स जो है इस टेस्ट को करिए और करने के बाद आप बताइए आपने जो है कितना क्वेश्चन इसमें सही किया। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को साथ ही साथ कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें स्क्रीन के ऊपर, तो देखिए क्या है ये। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? जो पहले का जो आंसर है इसका जो आंसर होगा आपका, ये है आपका चंपारण, ये है आपका बिहार में। तो ये चला था चंपारण बिहार में। जो तीन कटिया पद्धति है वो चंपारण आंदोलन से ही संबंधित है आपका। ये चला था आपका 1917 में। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? आपका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा, तो यह है आपका, तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका भगत सिंह। तो देखिए भगत सिंह ने गोली मारी थी सैंडर्स को, और ये मारी थी देखिए जो आपका लाला लाजपत राय थे शेरे पंजाब, उनकी देखिए हत्या का बदला ले लिया था इन्होंने। तीन व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन्हें फिर इसी कारण से देखिए जब इन्होंने इसको गोली मार दी तो इन्हें क्या हुआ, 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च को ही इसीलिए क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस। तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया था, ये था आपका ऑप्शन होगा इसमें ए ऑप्शन आपका, सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो इसका जो आंसर होगा आपका 1940 होगा, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो जो इसका आंसर होगा ये होगा आपका हैदराबाद। देखिए जूनागढ़ को मिलाया था जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को मिलाया था, ये रियासत थी आपका, और जम्मू कश्मीर को मिलाया था विलय पत्र के द्वारा। इसके बाद सिक्स क्वेश्चन क्या है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ए आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, देशबंधु की उपाधि संबंधित है जो सात का आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा बी आंसर होगा इसमें, चितरंजन दास या सीआर दास। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहां पर हुआ था? तो ये आपका हुआ था, जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ये होगा आपका लाहौर। कहां पे? लाहौर। तो इसमें जो इसमें अध्यक्षता की थी वो था आपका जवाहरलाल नेहरू इसमें। तो इसमें देखिए पूर्ण स्वराज्य का जो नारा दिया था वो दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बाद हमारा नौवा क्वेश्चन क्या है, देखिए कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो जो इसका आंसर होगा आपका डी आंसर होगा 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो चला गया था बम्बई से चलाया गया था, और ये गांधी ने चलाया था 1942 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो जो इसका आंसर होगा ये बताइए कब, तो इसका जो आंसर है आपका बी आंसर है 1943 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मिलान करना है तो देख लीजिए आप, इसको सभी को पता होगा ये आपका मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि सी का एक होगा, और डी रविंद्रनाथ टैगोर को कहते थे गुरुदेव, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। तो इसमें 11 का जो ऑप्शन होगा इसमें, 11 का ऑप्शन होगा इसमें बी ऑप्शन आपका बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया? 1920 में चला था असहयोग आंदोलन और 22 में क्या किया गया, उसको निलंबित कर दिया गया। तो कारण क्या था इसमें, तो देखिए ये था आपका डी ऑप्शन सही होगा इसमें, चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। जो आपका चोरा चोरी कांड हुआ था वो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए वर्ष 1917 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? इसका आंसर जल्दी से कर दीजिए, इसका आंसर होगा ए आंसर यानी कि अमृतसर पंजाब में। इसके बाद नमक सत्याग्रह किस ईस्वी से प्रारंभ हुआ था? 14 का आंसर इसमें होगा ए आंसर इसमें 1930, इसे बुलाया जाता है डांडी मार्च, और डांडी मार्च जो प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए
निम्नलिखित में से किस कृत्य कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इसमें इसका देखिए, तो इसका जो आंसर होगा, ए आंसर होगा 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। इसमें इन्होंने बदला किसका लिया था, तो वो लिया था लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया था? तो इसमें जो आपका आंसर होगा 16 का, वो होगा ए आंसर रोल एक्ट एक्ट, इसको बोला जाता है काला कानून। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? इसमें जो आंसर होगा आपका बी आंसर होगा सविनय आंदोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? 18 का आंसर इसमें जल्दी से कर दीजिए। इसका जो आंसर होगा आपका बी आंसर होगा लॉर्ड माउंट बेटन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस अधिनियम में पहली बार भारत के संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 19 का आंसर इसमें, तो इसमें होगा सी आंसर 1935। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो 20 का आंसर इसमें होगा आपका ए आंसर राम प्रसाद बिस्मिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? 21 का आंसर जल्दी से कर दीजिए, वो था आपका डी ऑप्शन होगा इसमें चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड सुधार भी बोला जाता था 1919 को, चेम्सफोर्ड सुधार, काला कानून या रोलैक्ट एक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को समर्पण के लिए राजी किया, किसने किया था? 22 का आंसर, तो इसमें होगा आपका सी आंसर होगा इसमें वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी के ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? 23 का आंसर इसमें होगा आपका सी आंसर होगा आपका रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरोध इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 1947 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विदेश तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाजत दी थी, वह जो सहयोगी थे कौन थे? तो इसका आंसर देखिए आपका होगा सी आंसर, आपका सी आंसर इसमें राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था इसमें? तो इसमें आपका होगा 25 का सी आंसर होगा इसमें 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल इसमें। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था? देखिए 26 का आंसर इसमें आपका होगा सी आंसर ओ डायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता जो कहा था आपका इसमें होगा सी ऑप्शन होगा इसमें सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्रिप्स मिशन 1942 को असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, जो इसका आंसर है फ्रेंड्स डी आंसर होगा इसका क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन होगा इसमें अबुल कलाम आजाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, देखिए जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो देखिए इसमें 30 का आंसर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत ही ज़्यादा। तो इसका आंसर होगा आपका ये कोलकाता, डी ऑप्शन होगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो ये हुआ था आपका ए ऑप्शन होगा इसमें लॉर्ड माउंट बेटन योजना के अनुसार, माउंट बेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसमें जो आपका आंसर होगा 30 जनवरी 1948। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, 33 का आंसर करिए जल्दी से। तो जो इसका आंसर है आपका सी आंसर होगा इसमें सिराज गोपालाचारी, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। इसके बाद कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम,
कायदे आजम कहा जाता है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना को, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और लास्ट में कमेंट करके बताएं आपने कितना क्वेश्चन जो है आपने सही किया। 35 का इसमें आंसर जल्दी से कर दीजिए। 35 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता था, तो इसमें होगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि राज्य के पुनर्गठन के लिए भी जाना जाता था और लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता था इन्हें। इसके बाद गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आपका 36 का आंसर इसमें होगा आपका बी ऑप्शन होगा इसमें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपका ये गए थे आपका राजपूताना जहाज से। इसके बाद अगला क्वेश्चन 37वां, असहयोग आंदोलन शुरू करने के सिराए कौन थे असहयोग आंदोलन के समय? तो आप इसका आंसर करिए जल्दी से, 37 का आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। तो 37 का जो आंसर होगा इसमें आपका होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। देखिए आपका जो सुधार हुआ था 1919 में, रोल एक्ट एक्ट बना था या काला कानून, तो आपका वो था 1919। अब देखिए इसके बाद आपका जो कैनिंग था वो था आपका 1857 के समय, भारत का जो था प्रथम वायसराय बना था और गवर्नर जो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके वायसराय का बना दिया गया था, तो ये 1857 से संबंधित था। और ये लॉर्ड डलहौजी कब से है? तो ये थे 1853 में, जब इन्होंने जो है पहली भारत में ट्रेन चलाई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर करिए जल्दी से, तो इसका जो आंसर होगा आपका चितरंजन दास होगा इसमें ऑप्शन। इसके बाद जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की? जनरल माइकल ओडायर, तो इसमें है आपका ऑप्शन उधम सिंह आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? तो 40 का आंसर कर दीजिए जल्दी से। 40 का जो आंसर होगा आपका आगमन जो हुआ था आपका 1928 में होता, और साइमन कमीशन की देखिए नियुक्ति जो हुई थी आपकी इंग्लैंड में हुई थी 1927 में। जैसे ही भारत आया तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि सभी इसमें देखिए जो कंप्लीट आपके व्यक्ति थे सदस्य थे वे सारे अंग्रेज थे, इन इसमें जो है भारतीयों को नहीं रखा गया था, इसीलिए इन्होंने विरोध किया। और पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह आदि ने किया था, तो देखिए वहाँ पे लाठी के दौरान लाठी चार्ज के दौरान जो है उनकी, लाला लाजपत राय यानी कि शेर पंजाब की जो है मृत्यु हो गई थी। उसका बदला लिया था भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने, और उन्हें जो है 23 मार्च 1931 को फांसी लगा दी गई थी, इसीलिए 23 मार्च जो है आपका संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 41 का आंसर इसमें होगा आपका डी आंसर होगा इसमें, डी आंसर आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? 43 का आंसर, तो 43 का आंसर होगा आपका इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? दीन बंधु के नाम से। 44 का आंसर जल्दी से कर दीजिए, तो आपका था ये सी एफ एंडोज, यानी कि आपका डी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके बाद माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो ये है आपका महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट बुक है ये, काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। तो आपको इसके बाद ये आपको क्रम लगाना है, आप जो हुआ था आपका 1920 में, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में, और आपका देख लीजिए आप मैच करके बताइए जल्दी से कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। 46 का जो इसमें आंसर होगा डी आंसर होगा इसमें, पहले आएगा दो यानी कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद आएगा गांधी इरविन समझौता, और आपका लास्ट में आएगा पूना पैक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या देखिए, डांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 47 का आंसर इसमें होगा आपका जल्दी से कर दीजिए, तो इसमें था आपका 385 किमी की यानी कि किलोमीटर आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा? तो आप सभी को पता है कि काला कानून जो आया था 1919 में आया था वो था रोल एक्ट एक्ट का अन्य नाम काला कानून। इसके बाद अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? 49 का आंसर जल्दी से कर दीजिए, 49 का आंसर,
जो 49 का आंसर होगा आपका, ये होगा आपका सी आंसर होगा, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज INA से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 50 का आंसर इसमें होगा आपका RC दास। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जो आपका टेस्ट है काफ़ी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करके जाए। और फ्रेंड्स देखिए, जल्दी जो है आपका साइंस का टेस्ट भी आने वाला है, और आज से ज्योग्राफी का स्टार्ट भी, आपका जो ज्योग्राफी का टेस्ट है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, PDF के लिए जो है मैंने काफ़ी अदर जो आपका साइंस के आपका वो लेक्चर हो चुके हैं, तो उनका PDF देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप देखिए फ्रेंड्स, गूगल ड्राइव चला लीजिए, अगर आपने किसी ने गूगल ड्राइव नहीं चलाया तो वहीं से अपलोड होगा, गूगल ड्राइव से ही आप अपलोड कर आपको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो देखिए, कई सारी कमेंट आई थी कि उस पर डाउनलोड नहीं हो रहा, तो देखिए UC ब्राउजर पे डाउनलोड नहीं होगा क्योंकि वेबसाइट जो है नहीं बनी है, तो मैंने के आपका गूगल ड्राइव पे डाल दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इसके लिए आपको गूगल ड्राइव जो है चलाना होगा इसमें।